ही बरस बरस काली बरसे हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में स्टार्ट हो गया है क्या स्टार्ट हो गया ओ माय गॉड स्टार्ट हो गया क्या Hey guys, what's up? क्या हाल चाल कैसे हो आप लोग हई यू गाइज क्या हाल चाल सब बढ़िया बिंदास मजे में केम छो मजा मचाओ सो so, कैसा है मेरा बच्चा पार्टी तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो यू you नो know, सारे फॉर्मुले हैं सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं है ना वो एक ही शॉट में हम लोग खत्म करेंगे और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे सो so, ऑब्वियसली यार देखो ये सीरीज मैंने क्यों चलाई इस सीरीज के पीछे का मकसद है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना आ, सिर्फ चैप्टर के रिविजन की जरूरत होती है उनको सिर्फ फॉर्मुले चाहिए होते हैं कि यार एक बार फॉर्मुले याद हो जाए बहुत है और फिर उस फॉर्मुले में थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए है ना सो so ये उनके बड़े काम की चीज है क्योंकि आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फुल फॉर्मुला वन शॉट में खत्म कर देंगे सो so जितने भी फॉर्मुले हैं उसको एक ही शॉट में भी खत्म करना है ये चल रहा है फॉर्मूला वन सीरीज फुल चैप्टर फॉर्मूला इन वन शॉट मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतो नीट मेडिजी चैनल पे जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नीट चैनल है और अगर हम लोग वेदांतों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो वेदांतों का सबसे बड़ा चैनल है सो so, उसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और ये सबसे बड़ा चैनल इस वजह से बन पाया है क्योंकि आप लोगों का प्यार और दुलार और चाहत और नो इतनी सपोर्ट इस चैनल के साथ लगी हुई है कि पूछो मत सो so, बहुत ही मजेदार सेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने सात बजे लिया था जिसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के री के बारे में फुल टू बात की हुई है उसको उन्नीस हजार बच्चे अभी तक देख चुके हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना मात्र एक घंटे में उन्नीस हजार बच्चों ने देख लिया अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उस सेशन को देख लेना इंतजार की घड़ियां खत्म हुई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वन शॉट मतलब एक सारे फॉर्मूले एक ही शॉट में खत्म करेंगे और फिर साथ साथ में अः हम साथ, साथ में क्या करेंगे उनके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे <laughs> तो क्वेश्चन भी करने वाले हैं चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को जिसका नाम है फॉर्मूला वन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलिए तो मेरा नाम तो आप जानते हैं अरविंद अरोड़ा इस सेशन को जिसने बनाया है अपने यू you नो know, पूरी मेहनत करके इसको जो बनाया है वो है गौतम भारद्वाज सो थैंक यू गौतम भारद्वाज यू यू वेरी हार्ड थैंक सो मच फॉर दैट एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार ये अपनी फैमिली और अपना परिवार है देखो अपनी फैमिली का मतलब जानते हो फैमिली जो गाना सुनते हो तुम लोग अपने तो अपने होते हैं है ना सो बस तुम लोग अपनी हो मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं और तुम मेरे बिना अधूरे हो मैं आपका केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो है ना सो दिस इज अ फैमिली दिस इज अ परिवार सब्सक्राइब जरूर करना मेरे यार आह क्या राइम बन गया दिस इज अ फैमिली दिस इज अ परिवार सब्सक्राइब जरूर करना मेरे यार आ क्या बात है आजकल मैं यू you नो know, वो बनते जा रहा हूं क्या बोलते हैं पोइट उसमें शायर ऐसे शायर बोलेंगे इतना भी अच्छा शायर नहीं हूं प्रोगाना सुना हो तुम लोगों ने कौन सा मैं शायर तो नहीं मगर बच्चों जब से आए तुम मेरी जिंदगी में छोड़ो <laughs> तो गौतम थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अपनी फैमिली और अपने परिवार को आगे आप लोगों को बढ़ाना है और चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आप लोगों को दस तारीख से हमारा क्रैश कोर्स शुरू हुआ है तुम्हें पता है और क्रैश कोर्स में आप 90 आवर्स का अन इंटरप्टेड स्टडी कर सकते हो लाइव क्लासेस होंगी आपको मिलेगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट असाइनमेंट रिकॉर्डेड सेशंस रैंक बूस्टिंग ट्वेंटी प्लस कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट सब कुछ मिलेगा और अगर आप ये सारी चीजें चाहते हो तो आपको क्या करना है बेसिकली दस अगस्त से जो अपना बैच शुरू हुआ है ना उस दस अगस्त के बैच को आप लोगों को करना है ज्वाइन ज्वाइन जानते हो क्या होता है दस अगस्त के बैच को करना है ज्वाइन तो उसके लिए आपको क्या करना है बहुत सिंपल है आप इस परिवार का हिस्सा अभी बन सकते हो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जिसके लिए आपको इस लिंक पे जाना है दैट इज वी डी एन टी डॉट आई एन स्लैश नीट सी सी इस लिंक पे जाकर आप लोगों को क्रैश कोर्स को बाय नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन करना है और कूपन कोड आपके आपसे मांगेगा दैट कूपन कोड इज एटी ट्वेंटी और कूपन कोड लगाने के बाद आपको एक क्रैश कोर्स मात्र दो हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में अवेलेबल हो जाएगा तो फटाफट से ज्वाइन कर लो और इसके अलावा अपने छोटे छोटे से मोटे मोटे से भाई बहनों को यू you नो know, अपने यंगर ब्रदर सिस्टर को अपने जूनियर्स को आप लोग आप वेदांतों के लिए लॉन्ग टर्म बैचेस ज्वाइन करा सकते हो तो लॉन्ग टर्म बैचेस की खास बात क्या होती है देखो पता है आप लोग कहीं ना कहीं ट्यूशन तो जाओगे लेकिन अभी कोरोना काल में तो जा नहीं पाओगे और आने वाला समय भी ऐसा खतरनाक ही है तो इन दैट केस देखो आप लोग ऑनलाइन में पढ़ाई कर सकते हो ऑनलाइन बैठ के आने वाला टाइम ऑनलाइन का ही है तो आप वेदांतों का प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अपने छोटे भाई बहन को दिला सकते हो ताकि वो घर पे बैठ के बिंदास तैयारी और पढ़ाई कर सके सो so, उसके लिए मैं आपको बताता हूं आपको फिफ्टीन का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस लिंक पे आप लोगों को जाना है बी डी एंड डाइन स्लैश वाई टी प्रो और उस पर जाके ये कूपन कोड लगाना है ए प्रो आपको पता है पूरे साल भर की मैं बात करूँ तो पूरे साल की पूरे साल की फीस कितनी है पूरे साल की फीस मात्र सत्ताईस हजार रुपए है अगर आप मंथली फीस की बात करो इस हिसाब से मंथली फीस कितनी है बाईस सौ बावन रुपए ओनली और आपको बता देता हूं अगर आप किसी कोचिंग में ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरे दिन में दो या तीन सेशन होते हमारे यहां पर डे तो पर डे बारह सेशन है इस हिसाब इस से पर डे बारह से और ये बाईस रुपए आपको पूरे महीने भर की फीस है तो डिवाइडेड बाय थर्टी और करोगे तो ये सेशन आप लोगों को ठीक है ये सेशन आप लोगों को ऑलमोस्ट एक रुपए के समथिंग ही पड़ेगा सो so, एक रुपए में मात्र आप लोगों को ये सेशन मिल रहा है और अगर आप मान लो बारह सेशन नहीं देख रहे हो मान लो तीन ही सेशन देख रहे हो चार सेशन देख रहे हो तो ये सात रुपए के समथिंग पड़ेगा तो पूरा वेदांतों का प्लेटफॉर्म आप सिर्फ सात रुपए पर डे पे अवेलेबल है और अगर आपकी हिम्मत है तो सारे देख लो तो एक रुपया पर डे से भी कम चार्ज लग रहा है इतने कम पैसों में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता सो गाइज ज्वाइन करो काम आएगा एंड फाइनली यस गाइज आज के सेशन की डिटेल है सुबह बायो के बॉटनी के दो तो, बायो के जॉलोजी के सेशनस हुए थे फिर फिजिक्स के सेशन्स आज बॉटनी के मैम का इंट्रोडक्शन था और फिर उसके बाद आप लोग मुझसे मिले और जिसमें हम लोगों ने इनऑर्गेनिक के रीएजेंट के बारे में बात करी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फुल फार्मूला भी हम देखने वाले हैं इसके अलावा टेलीग्राम के हमारा ग्रुप है वेदांतु नीट ऑफिशियल अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं अगर आपने अभी तक भी नहीं है नहीं किया है तो भाई साहब करने का वक्त आ गया है चलिए आर यू रेडी फॉर आप लोग तैयार हो कॉपी पेन लेके बैठना क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं सारे फॉर्मूला को मैं रिवाइज कराऊंगा फिर अपने उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे इसका मकसद ये है कि समरी कर रहे हैं समझ लो मैं कोई थ्योरी नहीं कराऊंगा समरी कराऊंगा फॉर्मूला वन सीरीज का मतलब ही यही है ऐसा करके उड़ जाने का सो so, चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को शुरू करते हैं सारे बच्चे आई थिंक आ गए होंगे अभी मैं आपको कह रहा हूं कि भैया फटाफट -फड़ से आप लोग क्या करो कुर्सी की पेटी बांध लो अपने लिए कॉपी और पेन लेके बैठ जाना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक ही शॉर्ट में खत्म करेंगे चलिए फटाफट -फड़ से शुरू करते हैं आपको पता है कि आपको पता है ये <clears throat> कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टोटल तीन पोर्शन है पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और तीसरा है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन तो अपन तीनों तीनों जो पोर्शन है उसको हम लोग सेपरेट सेपरेट करेंगे और उनके फॉर्मुला को देखेंगे लेट्स लेट्स अप स्टार्ट द सेशन सेशन इन वन शॉट ठीक है सबसे पहले हम लोग किसको करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को करेंगे ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो सेल जो होता है बेसिकली वो एक ऐसा सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को किसमें बदला जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है तो जानते हो ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जहां पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोलैटिक्स इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रो सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है इसको हम लोग गेलवेनिक सेल भी कहते हैं तो बेसिकली सेल सेल के नाम से फेमस है है सो दिस इज ठीक अब इसकी खास बात यह होती है कि इसके ये स्पॉन्टेनियस सेल होता है इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव तो एक चीज आपके काम की है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप होती है और इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू इसके लिए नेगेटिव होता है अब हम आगे बढ़ते हैं तो टोटल अगर हम लोग देखें डैनियल सेल कैसा होता है तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि यहां पर है ना दो कंटेनर होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गलवेनिक सेल या डैनियल सेल जिसको बोलते हैं उसमें दो कंटेनर होते हैं ये आपका राइट हैंड साइड का कंटेनर सॉरी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का, का कंटेनर है आपका राइट हैंड साइड का कंटेनर है लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होता है आप लोग याद रखोगे राइट right साइड में रिडक्शन होता है ये आप लोग याद रखोगे इसमें आप लोगों ने जिंक का रोड डाल रखा है और जिंक का ही सोल्यूशन है और यहां पर एक सोल्ट ब्रिज डाल रखा है ये कॉपर का रोड है और यहां पर कॉपर का ही सोल्यूशन है ये आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है और फिर आप लोग क्या करते हो इस सोल्ट ब्रिज के थ्रू पूरे सर्किट को कनेक्ट करते हो और यहां से आपको केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है जिसको आप वोल्ट मीटर से चेक करते हो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसमें दो कंटेनर होते हैं है, सोल्ट डाला जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी को बना के रखता है और लेफ्ट एंड साइड में आपको ऑक्सीडेशन होता है राइट एंड साइड में रिडक्शन होता है आपको ये वर्ड इसके लिए याद करना होता है एल ओ ए एन लोन तो अभी जिंदगी में भगवान करे आपको लेना ना पड़े बट लेगे तो कोई बड़ी बात नहीं है एल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ए का मतलब होता है एनोड ठीक है और एन का मतलब होता है नेगेटिव इसका मतलब यह है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है वो एक नेगेटिव टर्मिनल है जिसे हम लोग बेसिकली एनोड भी कहते हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है और वहां पर ऑक्सीडेशन होता है तो ये शब्द आप लोगों को याद रखना है ठीक है अब हम और चलते हैं आगे अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड मान लो ये वाला सेल है ठीक है ये वाला कौन सा डेनियल सेल है जिसमें जिंक जो है जेडन प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और सी यू प्लस टू सी में कन्वर्ट हो रहा है रिडक्शन हो रहा है तो आपको क्या करना होता है एनोड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखनी होती है राइट हैंड साइड में आपको रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी होती है और ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बीच में जो दो लाइनें हैं उसको हम लोग सॉल्ट क्या कहते हैं सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं सो so, ये सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन है और अगर आप लोगों को पूरे सेल का ई निकालना है तो क्या करना पड़ता है सेल उसका क्या है ई एम एफ है उसमें से एनोड के ई को माइनस करते हैं लेकिन ये अभी भी प्रॉपर नहीं है अभी प्रॉपरली इसको कैसे लिखते हैं अगर पूरे सेल का अगर आप लोगों को ई निकालना है तो आप लोग करना होता है रिडक्शन रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई एम एफ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड तो रिडक्शन पोटेंशियल आप लोग लेने पड़ते हैं कैथोड और एनोड के अब मजे की बात देखो अगर यहां पर E के ऊपर आपने डॉट लगा दिया तो इसका मतलब ये जो ई एम एफ आपने कैलकुलेट किया है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में किया है कौन सी कंडीशन में किया है स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या अब स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है स्टैंडर्ड कंडीशन यहां पर टेम्परेचर होता है टू नाइनटी एट कैलविन ये याद रखना है ट्रेशन होती है वन कैपिटल एम और प्रेशर की बात करें तो वो होता है वन ए तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं इनमें जब भी आप ईएमएफ कैलकुलेट करते हो उसे स्टैंडर्ड ईएमएफ कहते हैं ठीक है थीके? अब चलिए उसके लिए आप लोगों को अगर आप देखें तो जितने भी आप लोगों के पास सेल होते हैं उनका शी के रिस्पेक्ट में ई निकाला गया तो ये शी के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने ई कैलकुलेट किया है शी क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो दोनों की वैल्यू जीरो ही होती है मानी जाती है जाती और उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया जितने भी सेल थे उनके ई निकाले ठीक है तो अगर मैं आपको ध्यान से देखूं तो इस ई वाली इस पूरी की पूरी लिस्ट जो आपको दे रखी उसको है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं जिनमें अगर आप देखोगे तो टॉप पे आता है फ्लोरीन फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव होता है फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव होता है सबसे टॉप पे आता है और लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव होता है जरा आप ध्यान से देखो तो जिसका मोस्ट नेगेटिव उसका क्या मतलब है वो रिड्यूस होना नहीं चाहता तो इसका मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिड्यूस होना नहीं चाहता वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो जिसकी मोस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब वो रिड्यूस होना चाहता है इसका मतलब वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहां से आप लिस्ट में पता कर सकते हो सबसे का कितना होता है? जीरो ये माना है हमने। याद नहीं होती इस लिस्ट से बच्चों को एलर्जी है टटिया निकल जाती है पंजाबी में टटिया निकलने का मतलब होता है कि पसीने पसीने हो गया तो अब उसका छुटकारा कैसे पाएंगे तो उसके लिए मैं आप लोगों को आज ट्रिक देता हूं ट्रिक समझते हो ट्रिक तो ट्रिक में रहा हूं आज आप लोगों को अगर ये पूरी की पूरी सीरीज याद करनी है तो मैं आप ला, आज लग, आज आप लोगों को एक राइम याद दिलाता हूं राइम जरा देखो सबसे ऊपर कौन आता है लिथियम लिथियम देखो वो ऊपर नीचे का मतलब ये है कि <coughs> ट्रिक के हिसाब से आप लिस्ट को उल्टा भी कर सकते हो तो अगर आप देखोगे तो पिछली लिस्ट में लिथियम सबसे नीचे था बस इस लिस्ट को मैंने उल्टा कर दिया और कुछ नहीं लिथियम वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको ऊपर ले गए और फ्लोरीन को नीचे ले आए लिस्ट को उल्टा करने के बाद आप इसकी शोर्ट्रिक याद कर सकते हो कैसे देखो फिर कैलशियम का आता है, फिर सोडियम का और लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अंदाजा होता है कि कौन किसको रिड्यूस करेगा और यहां पर मजे की बात है जिस मेटल का जितना ज्यादा जिसका भी जितना भी ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना इसका मतलब उसे रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही कम होती है था। था। तो 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 समझ में आए वहां से कंपैरिजन होता है फिर मैग्नीशियम आता है फिर एल्यूमिनियम uh. आता uh. है फिर जिंक आता है फिर क्रोमियम आता है फिर एफ आता है फिर कैडमियम फिर कोबाल्ट फिर निकिल फिर टिन फिर लेड आता है फिर हाइड्रोजन आता है उसके बाद कॉपर आता है फिर सिल्वर आता है फिर गोल्ड आता है और फिर आता है फ्लोरिन ठीक है तो अब मैं आप लोगों को ना इसकी ट्रिक समझाता हूं इसको याद कैसे करेंगे ये ट्रिक मैं आपको बताता हूं देखो ये कहीं मुझे कहीं से मुझे मिली थी बड़ी मजेदार ट्रिक है तो ट्रिक क्या है जरा आप चेक करो इसको याद कैसे करोगे एक राइम जो एक दो बार तो अजीब सी लगेगी लेकिन बाद में आप आ, बोलना सीख गए तो आपको बल्ले बल्ले तो देखो इसकी राइम कैसे है लिख के बड़ा सरदार ध्यान से तो सुनना लिख के बड़ा सरदार का नाम लिख के बड़ा सरदार का नाम मैगी अली जाकार फैको लिख के बड़ा सरदार का नाम मैगी अली जाकार फैको सीढ़ी कोई नई जिस सीढ़ी में सुंदर प्यारा जो है क्यूट और फंट है चांदी सोना फॉर एवर अजीब सी ये ट्रिक है बड़ी इंटरेस्टिंग तो मैं दोबारा समझाता हूं देखो पहले में अजीब सा लगेगा तो दोबारा बोलता हूं इसके याद करने का तरीका क्या है लिख के बड़ा सरदार का नाम मैगी अली जाकार मैगी अली जाकार फेको सीढ़ी कोई नई जिस सीढ़ी में सुंदर प्यारा जो है क्यूट और फंट चांदी सोना फॉर एवर <laughs> पता नहीं लाए तो बेसिकली इस तरह से आप लिस्ट को याद कर सकते हो लिख के बड़ा सरदार का नाम मैगी अली जाकार फेको जाकार फेको सीडी कोई नई जिस सीढ़ी में सुंदर प्यारा जो है क्यूट फेंट चांदी सोना फॉर एवर <laughs> ये लड़कों का दिमाग चलता है ये एक्चुअली मैंने कहाँ से मंगाया ना ये ये मैंने मंगाया एक ना स्टूडेंट है मेरा तो वो अभी कोटा में पढ़ाई कर रहा है तो मैं उसको बोला कि तू तु, तूने कैसे याद किया तो उसने बोला कि सर मैंने तो ऐसे फर्जी से एक लाइन बनाई है क्या लाइन बनाई बोले ये लाइन बनाई है तो बोलता है कि लिख के बड़ा सरदार का नाम मैगी अली जा सीढ़ी कोई नहीं जिस सीढ़ी में सुंदर प्यारा जो है क्यूट और फेंट मतलब फेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्यूट ठीक है क्यूट चांदी सोना फॉर एवर अजीब सा है ना <laughs> तो है नवजोत सिंह सिद्धू चक दे पट्टे सुबह जलंधर शाम दिल्ली <laughs> तो ऐसे याद कर लेना आप लोग ठीक है सो so, फाइनली ये लिस्ट आपको ऐसे याद हो सकती है इस लिस्ट की लिस्ट की बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर बेसिकली क्या है ना कि आप अगर कोई लिस्ट याद करते हो तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि अगर मान लो किसी मेटल के मोस्ट देखो दो मेटल का कंपैरिजन करते हैं मान लो कि एक लिथियम ले लिया और एक मैग्नीशियम ले लिया और आपसे सवाल पूछा कि कौन किसको रिड्यूस करें कौन रिड्यूस होगा कौन ऑक्सीडाइज होगा अगर मैंने इन दोनों का सेल बना दिया तो आपको पता है कि लिथियम सबसे ऊपर आता है इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है और मैग्नीशियम का इतना नेगेटिव नहीं है एज कंपेयर टू दिस तो जिसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो ऑक्सीडाइज होगा इसका ऑक्सीडेशन होगा तो मैग्नीशियम का क्या होगा रिडक्शन होगा तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा कौन किसको रिड्यूस कर सकता है तो मैग्नीशियम बेसिकली गैस yes, मैग्नीशियम क्या कर सकता है uh, मैग्नीशियम लिथियम को ऑक्सीडाइज कर सकता है समझ में आ गया लिथियम मैग्नीशियम को रिड्यूस कर सकता है ये इसका मतलब निकलता है इसका ठीक है चलिए अब और आगे चलते हैं अब नर्स इक्वेशन की तरफ चलते हैं तो अगला जो पार्ट है ना वो है नर्स इक्वेशन का देखिए नर्स इक्वेशन नर्स इक्वेशन अगर आप देखोगे तो ये आप लोगों ने इक्वेशन जो है ये थर्मोडाइनेमिक से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है जहां से नर्स इक्वेशन निकाला गया था जिसकी इक्वेशन एक्चुअली वो इक्वेशन कैसी दिखती है वो ऐसी दिखती है कि ई ऑफ सेल ठीक है विच इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल ठीक है माइनस आर टी आर क्या है यहां पर बेटा गैस कॉन्स्टेंट टी क्या टेम्परेचर एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ क्या फेरिड ठीक है लोग ऊपर क्या लेना है आप लोगों को ऊपर आप लोगों को कंसंट्रेशन लेनी है अच्छा आप यहाँ पर टोटल आप लोग ऑफ क्यू भी लिख सकते हैं इट्स नॉट अ बिग डील यहाँ पर लोग ऑफ क्यू लिख लो ठीक है इस तरह से लिखा जाता है तो ये तरीका होता है लिखने का इसको नर्स इक्वेशन कहते हैं जो थर्मोडाइनमिक्स में अगर आप लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन देखी है तो वहां से ड्राइव होती है आर की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है गैस कांस्टेंट 8.314 उसकी वैल्यू होती है जूल पर कैलविन पर मोल वन फेरेड में वन नाइन सिक्स होता है जीरो अगर आप ये सारी चीजें रख दोगे तो आपके पास ये नर्वस्ट इक्वेशन बेसिकली इस फॉर्म में आ जाएगी और एक्चुअली आप लोगों को अगर टेम्परेचर दिया हो टू नाइन तो क्वेश्चन में जब भी 298 Kelvin दिया हो, तो आंख रिएक्शन है, है? तो देखते कि जिंक है और सीयू प्लस टू है ठीक है ये डेनियल सेल में ये देखी थी आपने जो कि जेड एन प्लस टू में कन्वर्ट होता है और सी यू में कन्वर्ट होता है तो अगर मैं बोलूँ चलो इसके लिए क्यू की वैल्यू लिखो तो कैसे लिखोगे आपको पहले तो कॉन्सेंट्रेशन लेनी है जेड एन प्लस टू की तो यहां पर सिर्फ आयन को काउंट किया जाता है याद रखना सॉलिड को कभी नहीं लिया जाता डिवाइड बाय क्या करोगे कॉपर ये लो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन लेना है तो जो हैं उन्हीं की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है जो एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है ऐसे करके क्यू को लिखा जाता है ठीक है अब मैं आपको बताता हूं तो फाइनली नर्स इक्वेशन देखेंगे तो नर्स्ट इक्वेशन बेटा ये है एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर दो क्यू लिखा गया है मैं आपको बताता हूं ये लिखा गया है उसी सेल के लिए अगर आप देखोगे तो जिंक ने Zn प्लस टू में जब जिंक था सॉरी जिंक जो है बेसिकली Zn प्लस टू में कन्वर्ट हो गया था दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के सो जिंक जैडम प्लस टू में कन्वर्ट हो गया था दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के तो so, इसीलिए जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इलेक्ट्रॉन है वो दो लिखे गए हैं क्योंकि कॉपर ने भी उतने इलेक्ट्रॉन लिए थे Cu plus 2, दो इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो गया था सी यू में तो so, ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर नीचे दो क्यों लिखा गया क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इलेक्ट्रॉन दो है और ऊपर जो formula वो एज इट इज है पॉइंट जीरो फाइव नाइन है ठीक है अब हम और आगे चलते हैं अगर मान लो आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन दे रखा है एफ ए बीओ बी सी ओफ्टी डीओटी उसके लिए क्यू बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैसे लिखोगे तो क्यू में कुछ नहीं है वो सेम तरीका है जैसे आप लोग वहां पर केमिकल कैनेटिक्स में लिखते थे ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है और नीचे किसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को लिखा जाता है it, तो यही आपको यह भी करना है खत्म हो जाती है बात यहाँ पे लेकिन यहाँ पर है ना थोड़ा उल्टा लिखा गया है मतलब ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना ये ऐसा नहीं होगा जैसा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन हैं ये थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो गया मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर भी आप लोगों को सी का कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है और यहाँ पर पावर में स्टोक्यूमेटरी लगानी होती है डी का कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है और पावर में आपको स्टोक्यूमेटरी लगानी होती है डिवाइड बाई अगेन मैं आपसे आपके एक और इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूँ कि यहाँ पर याद रखना कि अगर कोई सॉलिड हुआ तो उसको काउंट नहीं करेंगे अगर कोई एक्वस मीडियम में हुआ तो उसको काउंट करेंगे तो ये भी एक फिनोमिना जो आप लोग ध्यान रखना है तो बेसिकली इसको बोलते क्या है इसको रिएक्शन क्यू कहा जाता है ठीक है ये आप लोग ध्यान रखना अब मान लो कि नर्स इक्वेशन आपसे पूछी गई इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा इक्विलिब्रियम में पूरा सेल बंद हो जाता है तो उसके लिए ई e की वैल्यू जीरो हो जाती है और क्यू किसके बराबर होता है के के बराबर हो जाता है तो आपके पास जो नर्स्ट इक्वेशन थी ईक्व e टू याद है आप लोगों को ई नॉट माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन और साथ में लिखा हुआ था log ऑफ क्यू अब उसको बदल दो अब ई की वैल्यू तो जीरो हो गई और क्यू की जगह आपको क्या लिखना है के ये इक्लिब्रियम की कंडीशन होती है कि जब आपके पास इक्लिब्रियम आता है तो सेल सेल काम करना बंद कर देता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है और क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है के के समझ में आ गया इसको बोलते हैं कांस्टेंट तो यहाँ से आप इक्लिब्रम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो लोग ऑफ केसी फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा कई बार लोग ऑफ केसी की ही वैल्यू पूछ लेते हैं अच्छा अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स रिलेशनशिप के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का uh, जो ई एम एफ होता है और उस गिब्स रिलेश गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसमें क्या रिलेशन होता है इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और वो रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो ये सीरीज ही ऐसी है जिसमें हमने सिर्फ फॉर्मूला देखना है डेल्टा जी नॉट इज इक्व टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट यहां पर एन क्या है ये है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ क्या है फेरेड फेरेड की वैल्यू कितनी है डाइन सिक्स फाइव डबल जीरो और ई नॉट की वैल्यू आपको निकालनी होती है ई नॉट की वैल्यू कैसे निकालोगे

ठीक है और उसके बाद होता है ए बाई एल इसी को कंडक्टेंस बोलते हैं जो कि रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है वन अपॉन रो को हम लोग क्या बोलते हैं कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी बोलते हैं ए बाई एल को वन अपॉन एक्स बोलते हैं क्योंकि एक्स को हम लोग बोलते हैं एल बाई एक्स होता है एल बाई ए और जिसको बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट तो ये सेल कॉन्स्टेंट होता है आर गेटिंग माई पॉइंट तो सी यानी कि कंडक्टेंस किसके बराबर हुआ दैट इज कप्पा इंटू वन अपॉन सेल कॉन्स्टेंट तो यहां से अगर आप लोगों को कप्पा निकालना है कप्पा कप्पा किसके बराबर हुआ एक्स तो ये बहुत है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में आपका पहला फॉर्मूला फिर उसके बाद आपका मोलर uh, कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है थाउजेंड टू के डिवाइड बाई कैपिटल एम नाउ दिस अगेन दिस इज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको बताता हूँ मोलर कंडक्टिविटी होता है कैप एम इसका फॉर्मूला होता है थाउजेंड इंटू कप्पा कप्पा क्या होता है अभी आप लिखो कप्पा सी इंटू एक्स होता है अपॉन एम की वैल्यू मतलब ये होती है कंडक्टेंस सॉरी ये होता है फॉर्मुला सेम है उसका में आपको नीचे मोलारिटी की जगह क्या यूज करना होता है नॉर्मेलिटी बस और कुछ नहीं है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्मैलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन है सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू क्या करना पड़ता है फैक्टर तो ये कैसे निकालते हैं उस पर तो मैंने शानदार वीडियो बना रखी है वो आप चेक कर लेना तो ये फॉर्मुले आपको पता होने चाहिए अगर आपको फॉर्मुले पता है तो आप आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे अब हम आगे चलते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस कंडक्टिविटी का वेरिएशन और मोलर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में कैसा होता है जैसे जैसे हम लोग Uh, किसी सिस्टम को कॉन्सेंट्रेट करते हैं या फिर डायल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है जरा उसको चेक करो तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनना इसका मतलब यह है कि मान लो कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया हुआ है आपने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है अब अगर आप ऊपर से पानी डालते जा रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप डिल्यूजन बढ़ा रहे हो डिल्यूजन बढ़ा रहे हो और कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को कम करोगे तो आपसे पूछा गया कि कैपम पे क्या फर्क पड़ेगा और ये के पे क्या फर्क पड़ेगा के क्या है कप्पा तो कप्पा और कैप एम पे क्या फर्क पड़ेगा दैट इज द क्वेश्चन ठीक है तो अगर आपने डाइल्यूट किया सिस्टम को और कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो इन दैट केस आप लोग याद रखो डाइल्यूट करते हुए कप्पा की वैल्यू घटती है याद रखो आप लोग लिख लो कि कप्पा इज इज वॉट डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लीज आप इसको लिख लो बट कैप एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन इनफैक्ट दैट इज रूट सी लिख लो काम आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ाने से घटती है अगर आप किसी सिस्टम को डाइल्यूट करोगे तो कैपेम की वैल्यू बढ़ेगी क्यों बढ़ेगी क्योंकि उसको जगह मिलेगी आयंस को घूमने की जिससे कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी समझ तो में आ गया बट अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी की यानी कि कप्पा की ठीक है is inversely proportional to concentration, ये याद रखना क्योंकि बहुत काम आएगा अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हो इसका मतलब डायल्यूशन को कम कर रहे हो तो कंडक्टिविटी बढ़ती है बट मोलर कंडक्टिविटी घटती है देखो कंडक्टिविटी का मतलब है कप्पा कप्पा की बात कर रहे हैं यहाँ पर और मोलर कंडक्टिविटी घटती है जबकि कॉन्सेंट्रेशन को घटाने से कंडक्टिविटी घटेगी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी दोनों में बहुत फर्क है क्योंकि यहां पर ये यह कप्पा की बात हो रही है जिसका मतलब ये होता है कंडक्टेंस ऑफ जबकि मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है वन मोल सोल्यूशन का वन मोल सोल्यूशन का कंडक्टेंस कितना है तो दोनों में फर्क बहुत है और यहां पर इसी वजह से कंडक्टेंस का डायल्यूशन पे इफेक्ट पड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आप लोग ध्यान से देख रहे हो एरो से आपको समझ में आएगा कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है अब हम चलते हैं और आगे अगर आप लोगों कोई पूछे

कैपेम uh, का वैल्यू इनफान हो जाएगा नहीं कैपेम का वैल्यू कैन नेवर बी इसका यानी कंडक्टिविटी किसी 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 भी किसी भी किसी भी चीज की किसी भी की कंडक्टिविटी नहीं हो सकती होता कुछ यूं है कि अगर आप डिल्यूट कर रहे हो सिस्टम को धीरे धीरे कंडक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन एक वक्त आएगा जब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी तो कैपएम की वैल्यू कभी भी इंफानाइट नहीं हो सकती समझ में आ गया अच्छा तो यहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं इन्फानाइट कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है जिसको कैप एम नोट से लिखा जाता है किससे लिखते हैं कैप एम नोट से और अगर कोई पूछे कि मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है तो ये मोलर कंडक्टिविटी विच इज इक्व टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी अंडर द रूट वन बाई

जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें तो अगर आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन को घटाना शुरू किया कॉन्सेंट्रेशन को घटाना शुरू किया ठीक है यानी कि डिल्यूजन बढ़ाना शुरू किया तो उसमें आपकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है आपको पता है कि जैसे ही कि आप सिस्टम को डाइल्यूट करते हो तो उसकी कैपेम की वैल्यू इंक्रीज होती है आप कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा देखो कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ बढ़ रही है ठीक है और कैपेम की वैल्यू ये बढ़ रही है तो उसके उल्टी तरफ डिल्यूजन बढ़ रहा होगा अगर आप यूं जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है बट उल्टा जाओगे तो डायल्यूशन बढ़ेगा तो आप ग्राफ को ध्यान से देखो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाओगे सिस्टम को एक स्ट्रेट लाइन के जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो यहां पर तो आपकी समस्या ही नहीं है अगर आप कैपएम का वैल्यू निकालना चाहते हो तो मान लो आपने बहुत सारा डिल्यूजन कर दिया तो उस डायल्यूजन के केस में उसका कैपएम नॉट का वैल्यू यहां से आप जहां पर कट किया है वहां से निकाल सकते हो तो हमारे लिए कैप एम नॉट का वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में निकालना आसान होता है क्योंकि उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा इजी है पीछे लेके जाओगे जहां काटेगा वहां पर आप कैप एम नॉट का वैल्यू निकाल सकते हो लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन दैट केस ना बहुत हार्ड काम है सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच इज अक इलेक्ट्रोलाइट इन दैट केस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करो कैसे बनता है जैसे जैसे आप सिस्टम को डाइल्यूट कर रहे हो वो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि एकदम से कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है यहां पर बनता है ग्राफ ग्राफ तो इसका कोई एंड ही नहीं है हाइपर वोला ग्राफ कभी भी वाई एक्सिस को काटेगा ही नहीं तो हम लोग हम लोगों को तकलीफ होती है जब भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए कैप नोट का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाते तो, तो उसके लिए हम लोग किसको यूज करते हैं उसके लिए हम लोग कोहलर्स लॉ को यूज करते हैं कोहलर्स के नियम को कोहलर्स के लॉ को यूज किया जाता है जो कि बहुत सिंपली आपको एक ही बात बोलता है भैया देखो अगर आप लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का इन्फानाइट एल्यूजन में मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का इन्फानाइट एल्यूजन में मान लो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच इन्फानाइट एल्यूजन में कैपेम का वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है आपको सिंपली कुछ नहीं करना आपको उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के टुकड़े करने हैं ये उसका क्या हो गया ये उसका हो गया एनायन एनायन के केस में उसका इंफानाइट एल्यूजन में कंडक्टेंस लेना है उसको प्लस करना है और H प्लस का इंफानाइट एल्यूजन में कंडक्टेंस लेना है उसको उसके साथ प्लस कर देना है दैट सेट और कुछ नहीं है इसको को लो बोलते हैं मेरे ख्याल से अगर पूरे चैप्टर में देखो तो सबसे आसान काम कोहलर्स लो है कॉलरस लो पे अपन सवाल भी करेंगे अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे आसान काम क्या है सबसे आसान काम कोहलश लो है जिसमें कुछ नहीं करना होता नेगेटिव वाले का डेटा दिया होता है पॉजिटिव वाले का डेटा दिया हुआ होता है अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ तो उसका भी डेटा दिया हो तो माइनस कर दो सबसे आसान सवाल होते हैं अपन लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे ठीक है इसको कोहलेस लो कहते हैं कोहलेस लो सिंपली एक ही बात बोलता है कि अगर आपके पास यस अगर आप आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का इन्फाइट एल्यूजन पे कंडक्टेंस निकालना हो तो उसके इंडिपेंडेंट माइग्रेट आयन का और हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी नंबर ऑफ कटन और नंबर ऑफ एनआईन कितने है? उसके हिसाब से होता है जैसे कि मान लो आपसे पूछा गया मान लो ऐसे मान लो कि ये सी ए सी एल टू और बोलता है उसका कैपेम का वैल्यू निकालो कैपेम नोट का कैसे निकालोगे तो यहां पर ट्वाइस ऑफ लिखोगे कैप कैप एम नॉट क्लोरीन केस में दो क्यों लिखा आपने क्योंकि क्लोरीन दो है समझ में आ गया और फिर कैप एम नॉट लिखोगे सी ए प्लस टू के केस में यहां पर एक ही आएगा क्योंकि कैल्शियम प्लस टू प्लस टू आइन एक ही है इस तरह से निकालते हैं ठीक है चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलिस इसमें तो सबको पता है कि फिराडे का फर्स्ट लो सेकंड लो याद करना है फर्स्ट लो ये कहता है कि जो भी चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी वेट आप सेलेक्ट जो भी वेट इकट्ठा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना चार्ज आप फ्लो करवाओगे क्यू की वैल्यू क्या होती है आई इन टी होती है यानी करंट इन टाइम तो जो वेट निकल के आ रहा है जिसको हम लोग मास भी लिख सकते हैं Which is to Z into Q. या फिर आप लिख सकते हो मास इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए आप नंबर ऑफ मोल निकालना सीखो नंबर ऑफ मोल क्या होता है करंट इंटू टाइम डिवाइड बाई नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है जो आपको सीधे सीधे काम देगा करंट इंटू टाइम डिवाइड बाई आप लोगों ने निकाल लिए तो आप मास निकाल सकते हो मास कैसे तो फराडे का पहला लोग है दूसरा ये लो ये कहता है कि अगर मान लो किसी सर्किट में दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट सेम है इन दैट केस जो भी वेट का रेशियो होएगा दोनों सेल के अंदर वो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होएगा ये है आपका फेराडे का दूसरा लो जिससे आप इक्विलेंट मास कैसे निकालते हैं इक्विलेंट मास निकालने का तरीका क्या होता है इक्विलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ये निकाला जाता है सारा खेल फैक्टर का है यहां पे ठीक है इसको फ्राइडे का सेकंड लोग कहते हैं अब आते हैं अपन बैटरीज पर तो अलग अलग आप लोगों को पूरे पूरे जितना भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर बैटरी भी दे रखी है जैसे कि पहली बैटरी है ये वाली ड्राई सेल कहते हैं उसे उसके प्राइमरी बैटरी भी कहा जाता है क्योंकि रिचार्जेबल नहीं होती इसमें क्या होता है इसमें एनोड जिंक का बना होता है और कैथोड जो है एम ठीक है यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड और अमोनियम का बना होता है तो उसमें रिएक्शन क्या होती है पहले जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होता है दो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और कैथोड में जो मैगनीज डाइऑक्साइड है और अमोनियम आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके खुद एम एन ओ एच में कन्वर्ट हो जाती है और अमोनिया गैस को यहां से रिलीज कर देता है इसी को हम लोग प्राइमरी सेल या ड्राई सेल कहते हैं यहां से अमोनिया गैस जो रिलीज हो रही है उसको ट्रैप करने के लिए यहां पर हम लोग किसको यूज करते हैं यहां पर कुछ ना कुछ होगा जिसको यूज किया जाता है ठीक है उसको ट्रैप करने के लिए हम लोग यहां पर अमोनिया को ट्रैप क्योंकि अमोनिया गैस ज्यादा इकट्ठी होगी तो ब्लास्ट हो जाएगा तो उसको ट्रैप करने के लिए हम लोग कहां पर किसको यूज करते हैं एन फोर सी एल को यूज किया जाता है शायद उसके लिए ताकि वो उसको ट्रैप कर ले तो इसको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी जिसको जिंक बैटरी कहते हैं और इसको ड्राई सेल भी कहते हैं तो कोई पूछे ड्राई सेल के अंदर क्या यूज होता है तो एनोड पे जिंक यूज होता है कैथोड पे MNO2 प्लस ये जो वो है है वो यूज होता जहां से अमोनिया गैस बाहर निकल रही है अच्छा एक और सेल होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी मर्क्यूरी सेल होता है ये मर्क्य सेल आप लोगों ने जनरली देखे होंगे मर्क्यूरी सेल आप लोगों ने आपके जो घड़ियों के अंदर लगते हैं वो भी देखे होंगे इसमें एनोड में जिंक अमेलगम होता है जो की ओएच OH माइनस रिएक्ट करके ZnO में कन्वर्ट हो जाता है और पानी बाहर निकालता है और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है कैथोड की बात करें तो यहां पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड है जो कि खुद मर्क्यूरी को रिलीज करता है दो इलेक्ट्रॉन लेके यानी खुद का रिडक्शन करवा लेता है तो ये टोटल एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो सेल किससे बना होता है और कौन होता है उसके अंदर ठीक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो अगर आप देखोगे ड्राई सेल में तो वहां जिंक और यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है यहां पर मर्क्य सेल में आप देखोगे तो जिंक का अमेलम होता है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है एक सेकेंडरी बैटरीज भी होती है जो जो आपके घर पर इन्वर्टर होते हैं ना वो इसी की बनी होती है लेड एसिड या लेड एसिड बैटरीज भी इसको कहते हैं इसमें एनोड में क्या होता है सबसे पहले ये चार्जेबल होती है क्योंकि सेकेंडरी बैटरीज हैं और आपके घर में जो बैटरी पड़ी रहती है वही है वो जो इन्वर्टर कहते हैं जिसको एनोड में क्या होता है सबसे पहले लेड क्या करता है H2SO4 से रिएक्ट करता है और लेड सल्फेट में कन्वर्ट करता है, हो जाता है और दो इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ता है कैथोड में होता है लेड ऑक्साइड तो एनोड पे होता है लेड और कैथोड पे होता है लेड ऑक्साइड जो कि एस फोर के साथ रिएक्ट करता है और पीबीएसओ फोर में कन्वर्ट हो जाता है तो बेसिकली पीबीएसओ फोर सब मिलके बना रहे जब पूरी तरह से पीबीएसओ फोर में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो इसका मतलब सेल डिस्चार्ज हो गया फिर उसको चार्जिंग की जरूरत पड़ती है और केमिकल डॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो ये चार्जेबल सेल होते हैं अगर हम लोग यहां पर कैडमियम सेल की बात करें तो कैडमियम सेल में हम लोग कैडमियम यूज करते हैं ओवरऑल यहाँ पर रिएक्शन लिखी गई है कैडमियम के साथ साथ निकल का हाइड्रोक्साइड भी यूज किया जाता है और कैडमियम खुद कैडमियम को ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और निकल का हाइड्रोक्साइड जो है बेसिकली निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड से वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो कैडमियम के सेल में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं पता होना चाहिए तो कैडमियम यूज करते हैं और दूसरा निकल का ट्राई ऑक्साइड यूज करता है हाइड्रोक्साइड िल टाई हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं ठीक है तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए हर सेल में एक होता है फ्यूल सेल फ्यूल सेल में स्पेशली हम लोग हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिला के आपको बता देता हूं कि इसको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में लाओगे तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है जिसे ब्लास्ट भी हो सकता है बट क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो हमारे लिए फायदा भी है इसलिए इनको इनडायरेक्ट वे से एक दूसरे से कांटेक्ट करवाया जाता है या हाइड्रोजन गैस यहां से छोड़ी जाती है ऑक्सीजन गैस यहाँ से छोड़ी जाती है फिल्टर करते हुए ये दोनों जो इस में मिलती हैं और फाइनली यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ये तरीका है उसको बनाने का तरीका आप देख भी रहोगे कि कर क्या रहा है ये ओवरऑल हो क्या रहा है जरा आप ध्यान से मैकेनिज्म को देखोगे तो धीरे धीरे आप ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हो आप ध्यान से देखो धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ से हो रही है दिखाई दे रहा है सब लोगों को

तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है ये इधर वाला पार्ट आपका एनोड कहलाता है इधर वाला पार्ट आपका कैथोड कहलाता है इस तरह से पूरे फ्यूल सेल को डिजाइन किया गया ठीक है तो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन क्या है कैथोड पे जो ऑक्सीजन है बेसिकली वो क्या करती है ओ एच माइनस में कन्वर्ट होती है और हाइड्रोजन बेसिकली एस टू ओ में कन्वर्ट होती है तो ओवरऑल ये रिएक्शन है अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर एच टू दिखेगा आपको यही कि एस टू प्लस विल गिव यू एस टू ओवरऑल रिएक्शन यही है बट ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए इनके याद करने के तरीके आपको फुल चैप्टर जब मैंने करवाया था तो उसमें करवा रखे ठीक है चलो एक बार फटाफट फड़ से पूरे चैप्टर के जितने भी फॉर्मुले उनको रिवाइज कर लेते हैं लेट्स डू रिवीजन उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे तो अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरे साथ फटाफट फड़ से बैठ जाइए रिविजन कर लेते हैं पहला तो आपको क्या चीज याद होनी चाहिए एक तो आपको इनोट सेल का वैल्यू याद होना चाहिए

ये है मोलर uh, कंडक्टिविटी और कैपेम नोट क्या है मोलर कंडक्टिविटी है इन्फानाइट डाइल्यूशन उनमें रिलेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए ये रिलेशन एक्सपेरिमेंटली आया है इसके अलावा डेल्टा जी का वैल्यू

कंडक्टिविटी को ऐड कर देना और कुछ नहीं फेराडे के लोग पूछे तो एम इन टी मैं आपसे कहूंगा याद रखो मोल्स करंट टाइम फैक्टर ये सिंपल सा याद हुआ तो सारे फॉर्मुले आपको क्वेश्चन हो जाएंगे फेराडे का सेकंड लो देखोगे तो फेराडे का सेकेंड लो ये कहता है कि भैया अगर आपने दो सेल को सीरीज में लगा दिया तो उनका वेट टू इक्विवेलेंट वेट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल दैट सेट और कुछ नहीं है चलो सब क्वेश्चन कर लेते हैं पांच ऐसे सवाल करते हैं जिसमें ये सारे के सारे डेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन ये सारे के सारे फॉर्मुले यूज होंगे क्वेश्चन नहीं फॉर्मुले पहला सवाल आपके सामने मुझे करके दिखाओ अब जितना भी पढ़े हम उसको अप्लाई करके देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखो कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल विल बी डिपोजिटेड वेन सोल्यूशन ऑफ कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज विद करंट एन एम्पियर फोर वन मिनट

आप बताओ कि करंट की वैल्यू कितनी है दस एम्पियर आपने टाइम कितना लगाया तो आप टाइम सेकंड में रखोगे आप लोग याद रखना 109 सौ क्या करना पड़ेगा आपको मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट करो 60 ये टाइम सेकंड में ही होगा डिवाइड बाय क्या करोगे 96500 कर दिया फैक्टर पर आ जाओ क्या पूछा आपसे कोबाल्ट तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेकंड यही उसका इनफेक्टर भी है तो दो लगाओगे तो यहां से जब आप मोल्स कैलकुलेट कर लोगे कर लो मोल्स कैलकुलेटेड जीरो से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया ठीक है 109 6 तो कितना होता है 109 6 कितना होता है बस वो चेक कर लो अच्छा आ, ये दो से ये तीन भी कैंसिल हो सकता है ठीक है 109 तीन तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 109 3 तो ये हो गया 327 तो 327 डिवाइड बाय 965 ये ऑलमोस्ट वन बाई थ्री है मान लो ऑलमोस्ट वन बाई थ्री है तो अगर आप यहां से मोल्स निकल गए आपके पास ठीक है अगर आपके पास मोल्स निकल गए तो आप लोग यहां पर वेट निकाल सकते हो मोल्स इनटू मोलर मास तो मोल्स हो गए मोलर मास कितना है फिफ्टी नाइन तो बेसिकली बीस आंसर आएगा ये देखो बिना मैंने कैलकुलेटर यूज की आंसर निकाल दिया ट्वेंटी आंसर आएगा मेरे हिसाब से मैंने डायरेक्टली निकाल दिया मैंने लमसम कैलकुलेशन करी मैंने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करा आंसर इसका ट्वेंटी आएगा जो कि देख लो आपके सामने है तो अगर आप स्मार्ट हो ना आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है इंडायरेक्ट वे से मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं सो थैंक यू सो मच अगले सवाल पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि पूछता है कि अगर आपके पास ये सेल दे रखा है व्हाट इज द ऑफ लास्ट सेल दो सेल के ई दे रखे आपको ये पहला ये दूसरा है तो लास्ट फाइनल सेल का एफ पूछ रहा है कितना होगा दैट इज द क्वेश्चन तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर क्या किया गया जरा आप चेक करो ये फाइनल इक्वेशन का ईएमएफ पूछा गया एफ ई किस में कन्वर्ट हो रहा है एफ ई प्लस टू में तो अगर आप फाइनल सेल का ईएमएफ निकालोगे ई e सेल वो कैसे निकालोगे ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड अब आप लोग मुझे बताओ कैथोड पे होता है रिडक्शन तो रिडक्शन किसका होता है सिल्वर का हो रहा है सिल्वर के लिए आप लोग रिडक्शन पोटेंशियल चेक करो कितना है पॉइंट एट तो ये पॉइंट एट है माइनस आगे इसका पोटेंशियल दे रखा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पॉइंट एट प्लस पॉइंट फोर फोर तो ये आंसर कितना वन पॉइंट टू फोर देखो इतना आसान है कुछ भी नहीं है ठीक है आंसर भी इसका बी होगा फटाफट से निकाल दिया कुछ भी नहीं है इसके अंदर अगर आप में दम है तो आप फटाफट से निकाल दो कुछ नहीं है इसके अंदर ठीक है ओवरऑल मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ मेरे में दम भी है <laughs>

और यहां पर होता लॉग ऑफ के ये लगाते थे, थे ना फॉर्मूला याद है फॉर्मूला यही है ना हाँ यही है यही है ठीक है तो यही फॉर्मूला है तो मैं क्रॉस चेक कर रहा था सही है बिल्कुल सही है तो इनोट सेल का वैल्यू कितना दे रखा पॉइंट फाइव नाइन विच इज इक्व जीरो पॉइंट जीरो का वैल्यू कितना है N का वैल्यू यहां पर कितना है जरा आप चेक करो वन इलेक्ट्रॉन लिखा है तो एन की वैल्यू वन है लिखा हुआ है देखो इसने वन इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है इन टू लोग ऑफ के की वैल्यू आपको निकालनी है तो यहां खत्म हो गया ये देखो आप ये ना ये 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 टेन टाइम्स है तो लोग ऑफ के की वैल्यू किसके बराबर आ रही है टेन टू पार माइनस वन के सही बात है सही है गलत है सही है गलत है आप लोग मुझे बताओ सही है ठीक है तो अब आपको यहां से के का वैल्यू निकालना है के का वैल्यू कितना आएगा जरा बस उसको चेक कर लो ये है आ... रेस्ट टू पार टेन माइनस वन मतलब इसको सोल्व करना पड़ेगा मैथमेटिकली ओवरऑल ये सीन ठीक है तो अगर आप ये सोल्व कर लोगे तो आपको काम हो जाएगा अदरवाइज नहीं आएगा ठीक है मेरे ख्याल से सोल्व हो जाना चाहिए था पता नहीं मैं क्यों नहीं सोल्व कर पाया तो बाकी ओवरऑल सीन तो यही है तो इसका आंसर आएगा टेन रेस टू पार टेन तो कैसे आया जरा आप उसको चेक कर लेते हैं सारी चीजें तो हमने निकाली थी तो देखो सेम फॉर्मूला है ई नोट सेल का वैल्यू है ये देखो टेन आ रहा है दिखाई दे रहा है एज इट इज तो के का वैल्यू यहां तक तो हम सही थे लोग के का वैल्यू कितना आ रहा है टेन मैंने कहीं गलती कर दी क्या मन ने तो समझ ना आयो टेन लिखा है फिर तो आंसर आ जाना चाहिए था मैंने कहीं गलती कर दी अब मेरी स्मार्टनेस खत्म हो गई बूढ़ा हो चुका हूं बच्चों ने नजर लगा दी दो बार स्मार्ट स्मार्ट बोलती सर की सर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो मैंने कहीं गलती कर दी शायद तो मैंने कहा था ई नोट सैलविजो माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन नहीं होता है ना फॉर्मूला चेक करो भाई हाँ सही है सही है, बिल्कुल सही है अच्छा ये टेन टाइम्स हो होगा ये टाइम्स होगा। कोई बोल ही नहीं रहा कि आपने यहां पर दस लिख दिया ना तो टेन हो गया ओ मैं ओ मैं मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है अभी बात तय हो गई तुम भी मेरी तरह से स्मार्ट हो इंटेलिजेंट हो समझ में आया दोबारा समझाऊ मेरे काटने में गलती कर दी मेरे को नजर लग गई कई बच्चों ने नजर लगा दी तो तीसरा सवाल का जवाब ऐसे है तो फिर तो सी आंसर है चुटकियों में आ जाना था यार क्या यार अरविंद तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पॉइंट मोल पर डेसीमीटर क्यूब यानी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है जी एनो थ्री इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ये दे रखा आपको साइमन सेंटीमीटर आपको ये पूछा है ठीक है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ

कैपिटल एम ये तो करना था तो वैल्यू रख दो कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो कैप एम का वैल्यू कैसे निकलेगा थाउजेंड इंटू कप्पा कप्पा की वैल्यू कितनी है फाइव पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टेन एस टू पर माइनस का थ्री डिवाइड किससे करोगे कॉन्सेंट्रेशन से पॉइंट फाइव खत्म कहानी ठीक है याद आ गई सबको अपनी नानी तो इस तरह से इसको कन्वर्ट करना है ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर दो अगर ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई करोगे तो पाँच नहीं दस हो गया ये भी कैंसिल हो गया टू हंड्रेड आ गया तो टू हंड्रेड इंटू फाइव इंटू ये टू ठीक है 200 वैल्यू लमसम निकाल लेते हैं टू हंड्रेड ठीक है ये पांच दो नजर टू हंड्रेड कहां था क्या गया हो? क्या कर रहा है अरविंद अरोडा काटना नहीं आता तुझे आजकल देखो अब फिर से नजर लग गई मेरे को तो बेसिकली यहां पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी तो बेसिकली मैंने क्या किया ऊपर से दो से मल्टीप्लाई किया ठीक है तो पांच उन्नी दस हो गया तो ये पांच दस है ना तो दस से तो हंड्रेड ही होना चाहिए ना ये हंड्रेड होना चाहिए इसका थैंक गॉड हाँ चौथे सवाल में गलती कर दी मैंने चलो पांचवे सवाल की तरफ चलते आसान था पांचवा सवाल ये रहा कहता है मोलर कंडक्टिविटीज कैप नॉट एट इंफान एनएसीएल HCl अब देखो वो सवाल है सी एस थ्री सी डब्ल्यू एन ए ये दे रखी है आपको सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच के लिए पूछा है तो देखो ये ऐसा है सबसे आसान सवाल है अगर आपको कैप एम नोट पूछा सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच का तो आप क्या करोगे विच इज इक्वल टू कैप एम सी एस थ्री सी डब्ल्यू एन ए इसका ले लो प्लस क्योंकि आपको तो हाइड्रोजन चाहिए सोडियम तो चाहिए नहीं तो आप Capm की वैल्यू लो एच सी एल के लिए माइनस आपको सोडियम और क्लोरीन एक्स्ट्रा है तो वो घटा दो एन उसमें से माइनस कर दो तो ओवरऑल बस यही करना है और कुछ नहीं थर्ड uh, वाले की वैल्यू है 91 वन प्लस एच सी एल वाले की वैल्यू है सेकेंड नंबर पर फोर ट्वेंटी फाइव उसमें से माइनस करना है वन ट्वेंटी सिक्स बच्चों के जैसा खेल है सबसे आसान अगर कोई काम है तो वो यही है तो ये चार सौ पांच सौ में से फिर सो चला गया चार सौ चार सौ के अराउंड आंसर आएगा ठीक है चार सौ पच्चीस सौ पांच सौ में से चार सौ हाँ तीन सौ नब्बे डी आंसर आएगा क्या हा डी ये सही था मेरा तो फाइनली इस तरह से आपको आंसर निकालना है दीज आर बच्चा टाइप क्वेश्चन ये पूछे बहुत जाते हैं सो so फाइनली हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया और साथ साथ में हमने पांच क्वेश्चन भी करके देखे आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तुम लोग यार कमाल कर दिया तुम लोग यार कमाल कर दियो आप लोगों ने लाइक कर दिया क्या सेशन को बारह बच्चों ने लाइक किया क्यों बेटा दिल बड़ा रखो लाइक कर दो फटाफट सो यू आर एक्साइटेड या एक और चैप्टर खत्म हो गया फॉर्मुला सीरीज में दैट्स रियली अमेजिंग बच्चों आप लोगों ने कमाल कर दिया है धोती फाड़ के रुमाल कर दिया और इस तरह से हमने एक और फॉर्मूला सीरीज में चैप्टर खत्म कर

नीट सीसी और उस उसपे जाके कूपन कोड लगाना है दैट इज एटेंटी ट्वेंटी अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो यू हैव टाइम ये कूपन कोड है जो आप लगा के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो फाइनली अगर आप अपने छोटे भाई बहन को वेदांतु का लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन कराना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन जरूर कराओ लॉन्ग टर्म बैच में बहुत फायदा है ठीक है ताकि उनको एंड टाइम पे तैयारी का झंझट ना हो उसमें एज इट इज तैयारी होती है जैसे कि आप फिजिकल क्लासेस में करते हो सो so, अगर आप देखोगे ना तो पूरे साल भर का फीस पूरे साल भर का फीस मात्र सत्ताईस हजार रुपए मंथली फीस देखोगे तो बाईस सौ बावन रुपए और जिस हिसाब से हमारे सेशन चलते हैं तो पर डे फीस मात्र सात रुपए सेवन रुपीज सेवन रुपीज इज द फीस पर डे पर से एक दिन का एक सेशन का फीस मात्र सात रुपए आ रहा है कैलकुलेट करके तो so, एक दिन का एक सेशन का फीस मात्र सात रुपए इतनी वर्ल्ड क्लास फैकल्टी से पढ़ने के लिए सात रुपए कोई ज्यादा नहीं होता आप ज्वाइन करवा सकते हैं जरूर करवाइए एंड फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट आप लोग यहां पर अवेल कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहन के लिए अगर आप ए ए प्रो कूपन कोड यूज करते हैं तो यू कैन डू इट मैन एंड फाइनली यूजर चॉइस अवार्ड मिला हमारे ऐप को जिसको डाउनलोड कर लेना आप लोगों को और ये ऐप है हमारी वेदांतों की जिसको टू में अवार्ड मिला है एंड फाइनली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलेगा बहुत ही बढ़िया ऐप टेलीग्राम का ग्रुप है ज्वाइन कर लो बहुत सारी चीजें वहां पर हम लोग शेयर करते हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो गलत बात हो जाएगी प्लीज सब्सक्राइब द चैनल चलिए गाइज अब कल मिलेंगे टिल देन गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स आराम से सो जाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो खत्म हो गई लाइक करके जाना और साथ साथ में आप लोगों को बच्चों के साथ शेयर भी करना है चलो गाइज लव यू ऑल बाय गुड नाइट